आईपीएल 2023 के शुरू के मैचों में जब स्काई रन नहीं बना रहे थे तो सबको लगा कि स्काई के सितारे गर्दिश में हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन उसके बाद इस बंदे ने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके सबके मुंह बंद किए हैं, कमाल कर दिया है। और लास्ट के मैच में तो इस बंदे ने 49 बॉल्स में शतक मार के ये साबित कर दिया कि यही बंदा आज के समय T20 में रनों का बेताज बादशाह है। और ये बंदा जहां शुरू के मैचेस में सबसे पीछे था, वहीं आज ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। और उसके अलावा पिछले 12 सालों में वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के बाद पहली बार किसी ने सेंचुरी बनाई है। और इस मैच में जो सूर्य कुमार यादव ने थर्ड मैन पर ब्लेड खोलते हुए छक्का मारा, सचिन तेंदुलकर खुद उस शॉट के मुरीद हो गए। मजा आया गाइस। क्या आपने भी इस मैच में स्काई की बैटिंग देखी? और अगर देखी तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर। ये 18 तारीख का और 18 नंबर का कोहली से क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 18 मई को आरसीबी और एसआरएच के मैच में पूरे 1490 दिनों बाद विराट कोहली के बल्ले से शानदार शतक देखने को मिला है। और उसके बाद ही मेरा दिमाग खनका कि 18 का कुछ तो कनेक्शन होगा। तो ढूंढ के निकाला तो पता लगा कि आईपीएल हो या टीम इंडिया के लिए खेलना हो, विराट कोहली की जर्सी का नंबर भी 18 है। और साथ ही इसी तारीख से विराट कोहली की अपने पिता से भी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 18 दिसंबर 2006 के दिन ही विराट कोहली ने अपने पिता को खोया था। और सुनिए, 18 मई 2008 को ही विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ खेलकर टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था। यही नहीं, 18 मई 2016 को विराट कोहली ने आईपीएल में अपना पिछला शतक ठोका था। और उसके बाद के शतक की बात हम ऊपर कर चुके हैं। शायद इसी कारण से विराट कोहली ने अपना ब्रांड भी 18 यानी कि 18 रखा है। वैसे गाइस, आपका लकी नंबर क्या है?